मध्य मातरम, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं जीएनएन न्यूज। जब कभी भी सुंदरता की बात होती है तो अचानक हमारे सामने आते हैं वो चेहरे, उन मेकअप आर्टिस्टों के चेहरे जो इन सुंदरताओं को अंजाम देते हैं। सुंदरता ना केवल चेहरे से होती है बल्कि साथ साथ हेयर स्टाइल का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसा कुछ नजारा देखने को मिला दिल्ली की निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के नजदीक रेड कार्पेट अकादमी में, जिसे मशहूर मेकअप आर्टिस्ट नीरू महाजन संचालित करती। इस कार्यक्रम में नीरू महाजन की इस कला को देखने के लिए न केवल दिल्ली से बल्कि आसपास के अनेकों शहरों से महिलाओं ने हिस्सा लिया। नीरू महाजन ने उन्हें अपने टिप्स दिए और सिखाया कि किस तरह से खूबसूरत चेहरे पर हसीन तरीके से हेयर स्टाइल को अंजाम दिया जाता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आपका सबसे बड़ा बात जो होती है, हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे स्टाइल को ले लेते हैं, पूरे बाल ये भी पकड़े ये भी पकड़े। हम जो गेम खेलते हैं सेंटर वाले सेक्शन के साथ, सिर्फ क्राउन पर, ठीक है, जो भी बाल ले लेते हैं सिर्फ क्राउन पर ही। सेंटर के बालों से सेक्शन, आप सिर्फ पहले क्राउन लो और उसके बाद देखो क्या सूट, क्या सूट करेगी। मेरी फेवरेट स्टूडेंट निशी जी हर क्लास को छोड़ते नहीं है, ये बाल नीट हो जाएंगे ये सारे, ठीक है। कह रहे थे ना छोटे छोटे बाल आप लोगों के, यही बाल आ जाएंगे। स्प्रे हो गया, आइनिंग ब्लू, स्प्रे कौन सा है? एंजो, एंजो टाफ्ट भी यूज कर सकते हो रेगुलर में, अगर ये चाहोगे तो ये कल हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये देखो फिर से सेम टर्न, देखो ये आप ये चीज मांग रहे थे ना, शाइनिंग भी आ गई और फिनिशिंग भी आ गई। और मैं फिर भी आपको ये बात बोलूंगी, जो आपको पे करेगा वो ये काम करना, नहीं तो टेक्निक यही यूज करके अपना काम बिना स्प्रे के, बिना स्प्रे के, बिना करके टॉन के काम कर देना, तब भी क्लाइंट नहीं बोलेगा। उसको पता मैंने सिर्फ 2000 दिए, उसको ये बात पता है, उसको ये नहीं पता कि मैंने 5-10 हज़ार दिए। ये चीज बहुत अच्छी बताई इन्होंने, क्लाइंट अगर जितना पे कर रहा है ना उस हिसाब से ही आप लोग काम करो। वो दे रहा है 2000, आप बना रहे हो इतने बड़े बड़े जुड़े। देखिए मैंने सबसे पहले क्राउन सेक्शन लिया था ये, ठीक है, इसमें से हमने ये हाफ सेक्शन किया, ठीक है, उसके बाद इसमें से हमने ऐसे लिया ये सेक्शन तिरछा, सेम ये दूसरा वाला भी ऐसे ही लेना है। हुआ क्या कि क्या मेन जो हमारा मकसद है, जो गुलाई है सेक्शन की, एक बार सब देखो ये जो गुलाई है सेक्शन की वो जा रही बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि हमें क्राउन पे वो बन को देना है। तो इन्होंने यहाँ से उसका बेसिक क्या लिया, गुलाई, चाहे आप वो कैसे भी ले सकते हो, पहले सीधा चाहे तिरछा और सीधा जैसे मर्जी, गुलाई आपको इसके साथ जोड़नी है जो हमने बेसिक लिया। जो ये सेक्शन आएगा ना इसके अकॉर्डिंगली ही चलना है आपने, मतलब एक-एक सेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ मैडम, आप ले लेना बाद में आराम से। देखो ऐसे लगती है फाइल, एक साइड से फोल्ड, एक साइड से स्ट्रेट, दिख रही है सबको? अब देखो ये सेक्शन निकल रहा है बाहर, मैंने यहाँ लगाई, टर्न कर ली अंदर और अब अंदर इसको टक कर दिया, इसमें डालो, अंदर टर्न करो और अंदर लगा दिया पिन, ठीक है। फिनिशिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपकी, ठीक है। हम अगर चाहें तो इन कर्ल्स को भी पीछे टक कर सकते हैं तब भी अच्छा लगेगा जी। देखो इनके बाल तो नहीं थे इतने, ठीक है, पर हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। स्माइल को स्प्रे लगाने के बाद इस शैडो को ऐसे कैसे क्रिएट करा जा सकता है? इसको हम दो तरह से ले सकते हैं, ये आपका जूड़े का जूड़ा बना रहेगा, ये जूड़ा ही बनाया है, ये बोल रहे सिर्फ टॉप देना है, जूड़ा जूड़ा इनका क्राउन जूड़ा ही बोल रहे सिर्फ। तो हम इस सेक्शन को इस तरह भी निकाल सकते हैं जिग जैग के लिए,
जैसे बी बनाया निकाल दिया, जैसे पकड़ा इस तरह का। इससे क्या फायदा होगा बता रहे, वो दिखेगा ना लगेगा। ठीक है, हां क्लास से है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री आफ्टर तो दे रही हूं, मैं दे रही हूं, ये तो चार्ज भी लगा के लगा दी। ब्लैक रबर लगाना, अब ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं गया? मोटी लेनी है इसके लिए आपने, डोनेट जो भी आप लोगे उसमें पिन बहुत आसानी से सेट हो जाता है। हाँ, स्टफी को खोल भी सकते हैं बहुत, उसकी ना अंदर जो बाल होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इससे अच्छा इसको सीधा पकड़ो और वैक्यूम ले लो। इसमें वैक्यूम हो गई स्प्रे, स्प्रे किया नीट कर इसमें वैक्यूम की ये जो बेसिक पफ है ये आप किसी में भी बना सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पे आप किसी में भी। पहला बेसिक पफ है ये बनता है, समझ आई? समझ आई? कुछ पूछना रिपीट करना इसमें से, ये चीज़ इनकी प्रॉब्लम थी। ऑलमोस्ट सबकी है ये वाली चीज़ ही, नहीं आपकी फिनिशिंग नहीं आती, आपका ये वाला प्रॉफिट नहीं बनता। एक बार ये चीज़ आपको स्पीड करनी है या समझ आ गई? ठीक है, मेनली यहाँ से नीट होना चाहिए। स्प्रे करो नीचे से, इसे नीट करो। ठीक है, ऐसे क्रिएट होगी ये चीज़। यहाँ बाउंस दो, अब मिरर में देखो मैडम आराम से इसको पीछे ऐसे देखो, ये सेक्शन ऐसे ही खुला हुआ है जैसे हमने खोला था, इसको बस पीछे हमने टक कर लिया। अब यहाँ से इसकी हाइट चेक करो, और दूसरी चीज़ ये चेक करो कि गैप तो नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा। पफ सिर्फ एक बेस बनाता है, ठीक है? अगर पफ की भी हाइट दे दी ना तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा लगेगा, फिर अजीब ही लगता है, फिर ऐसा लगता है एक पहाड़ यहाँ खड़ा है दूसरा पहाड़ यहाँ खड़ा है। एक चीज़ होती है जब दो चीज़ें होती है ना तो अलग दिखनी चाहिए, ठीक है? अगर हम सिर्फ पफ या आगे का सेक्शन बनाते तो पफ थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और आगे का सेक्शन थोड़ा नीचा होना चाहिए, ठीक है? हम बीच में अगर कोई सेक्शन ले रहे हैं ना तो बीच वाला सेक्शन फ्रंट वाले सेक्शन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? ये सिर्फ बोल ही रही और कुछ नहीं कर रही थी। और क्लास होती है कि हम एकदम अगर करते जाते हैं समझाते हैं कि स्टूडेंट को तो वो पता ही नहीं चलता, तो बहुत जरूरी है साथ में बात करना। आप ऐसा काम भी कहीं ना गलत कर देते हो ना, गलत कर देते हो, आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, टाइम नहीं है ना, उसको मोटिवेट करते हैं जब मैम ऐसा हो गया, पर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है, उसको उसी में कन्वर्ट कर लो अपने आप में, ताकि वह जो उठे तो हाँ ठीक है, पर हाँ थोड़ा बहुत है कोई बात नहीं चलेगा, लास्ट मोमेंट ही यहाँ सेट हो जाते हैं, तो उसको पहले करना पड़ता है वो चीज़ों में, तो बोलना तो बहुत जरूरी। देखो लास्ट में आके बहुत इशू हो जाते हैं, क्योंकि ना ही तो पिन लगाने की जगह मिलती है और ना बाल मिलते हैं और बहुत कुछ कवर रहता है। अब देखो इसमें मैं कहाँ पिन लगा। मेकअप आर्टिस्ट नीरू महाजन जी से, जो महिलाओं को सुंदर से भी सुंदरतम बना देती है, आखिर क्या है उनकी इस कला का राज, सीधे जानते हैं नीरू जी से। नीरू जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरू महाजन रेड कार्पेट मेकअप अकेडमी से, मेरी एकेडमी निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास, बिल्कुल मैं वहाँ पे आज से 10 साल हो गए ये मैं एकेडमी चला रही हूँ।
और मेरे को, मेरा जो अपना मकसद यही है, मैं उन लोगों को सामने लाऊं जो लोग बहुत पीछे रह चुके हैं और उनको गाइडेंस नहीं मिलती कि हम क्या करें। तो मैं उन्हीं लोगों को गाइड करने के लिए कोशिश यही है कि मेरी एकेडमी में आए और मैं उनको अच्छे से सिखा कर यहाँ से भेजूँ। नीरू जी, काफ़ी मेहनत की आज आपने, क्लास यहाँ पर लगाई है अपने एकेडमी में, और टेंशन भी कुछ झलक रही है। टेंशन तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को सुंदर बनाते हो, आप भी खूबसूरत हो। तो आज का जो विषय था वो था हेयर स्टाइलिंग का, यानी कि बालों की सुंदरता किस तरह से निखारी जाए। तो दो मॉडल्स हमारे पीछे हैं, और जिस तरीके से, जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से आपने उनको सजाया है, ज़रा ब्रीफ कीजिए। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ऐसे हेयर स्टाइल कैसे वो पा सकते हैं। पहले बहुत पुराना जो हमारे लोग थे वो सिंपल से बहुत अच्छा से एक बन बनाती थी औरतें और घर से निकल जाती थी। जैसे जैसे डिमांड आई लोगों की, तो नए नए हेयर स्टाइल क्रिएट किए गए। तो उसमें से ये कुछ नए हेयर स्टाइल हैं जो आज टेक्नीशियन ने ये बनाए हैं, और इनको हमने बहुत फिनिशिंग तरीके से कोशिश की है बनाने की, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है इसको बनाने की। और ये हमारा कर्ल्स के साथ, स्ट्रेटनिंग के कर्ल्स के साथ ये वाला हेयर स्टाइल बनाया गया है। लोगों की डिमांड थी कि मैम ये छोटे छोटे बाल या ये चीज़ें बहुत अच्छी फिनिशिंग से नहीं आती, तो हमने कोशिश की है बच्चों को ये सिखाने की कि कैसे आप फिनिशिंग से अपना हेयर स्टाइल बना सकते हो, और कौन सा बन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, और एक ही बन से आप कितना कुछ वेरिएशन बना सकते हो। आज हमारा मुद्दा यही था कि एक चीज़ को लेके आप कितनी वेरिएशन बना सकते हो। नीरू जी, ये जानने वाली बात है कि जब भी हम कोई हेयर स्टाइलिंग का कारनामा करते हैं तो उसके लिए तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। टेक्निकली आपने कितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं और किस तरह से इसको सजाया है? हमारी दूसरी कोशिश स्टूडेंट के साथ ये भी रही है कि हम कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स में काम करें। तो इसके अंदर सिर्फ हमारा एक स्ट्रेटनर यूज़ हुआ है जिसके अंदर सारी वेरिएशन हमने क्रिएट करी है। दोनों हेयर स्टाइल हमारे इसी बलबूते पे गए हैं कि सिर्फ हम स्ट्रेटनर के साथ काम किया है, और काम को बड़ा फिनिशिंग के साथ, बड़ी सफाई के साथ हमने काम किया, और आप उसकी लुक देख भी रहे हो कि बालों का जो एवरेज थी बहुत कम थी, और देखने में लग रहा, हाइट भी हमारी मिड लेंथ थी, और देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये इतना क्रिएटिव और इतना हैवी हेयर स्टाइल है, लेकिन इतना हैवी हेयर स्टाइल छोटे से बालों में और पतले बालों पे हम लोगों ने ये क्रिएट किया है। तो पूरा कितना समय कंज्यूम हुआ इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए? वैसे तो ये एक हमारी क्लास थी जिसमें हमने स्टूडेंट्स को भी सिखाना था, तो इसको आधा से पौना घंटा हमने इस हेयर स्टाइल को लिया, लेकिन 20 से 25 मिनट हमारे लगते हैं इस हेयर स्टाइल को कंप्लीट करने में। और आप ये स्टाइलिंग फ्रंट और लुक आप दोनों देख सकते हो, हमने सिर्फ एक हेयर स्प्रे और हेयर स्ट्रेटनर से ये हेयर स्टाइलिंग को कवर किया है। सिर्फ रोलिंग तकनीक है ये वाली। इस बन को हम रिसेप्शन, एंगेजमेंट और एक शादी के मौके पर हम सजा सकते हैं। मैंने आज पहली बार अपने लुक को इतना चेंज देखा है। वैसे मैं नॉर्मल सिंपल प्रेसिंग करके ही जाती थी। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? नीरू मैम को, और मेरे जो सर थे जिन्होंने ये बनाया बहुत अच्छे से, उन्होंने मेरे फेस पे जच भी रहा है। जो हमारे टेक्नीशियन ने इसको क्रिएट किया है, मैं इसके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी। आजकल जो मार्केट में चल रहा है स्प्रेडिंग, ये हमारी रोलिंग टेक्निक थी, ये हमारी स्प्रेडिंग टेक्निक है। ये टेक्नीशियन ने इसको हर स्टाइल में स्प्रेड करके बालों को बनाया। इसमें भी हमारे दो टूल्स का ही यूज़ हुआ, एक हेयर स्प्रे और दूसरा स्ट्रेटनर। और हर बाल को हमने एक एक स्टेप को उठाया और उसको स्ट्रेट किया, और बच्चों को ये टेक्निक जो स्प्रेडिंग की टेक्निक थी वो बहुत उनको दिख रही थी कि हमें सीखनी है। हमारे आते ही पहले क्लास में हमने बच्चों से यही पूछा था कि आप अपने आज क्या सीखना है, तो उनकी ये डिमांड थी स्प्रेडिंग। और हमारी कोशिश रहेगी आज उनको अपने हाथों से ये टेक्निक सिखाने की। लंच की ब्रेक हो रखी बच्चों की, और हम उसके बाद उनको कोशिश करेंगे उनको ये पूरी टेक्निक अपने हाथों से पकड़ के उनको सिखाएंगे, ताकि ये एक एक स्प्रेडिंग से तीन चार हेयर स्टाइल बना सकें। और इनके टीचर ने भी ये सब बताया कि जो फ्रंट की लुक है इसको हम किसी भी हेयर स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं, और ये जो हाइट है, हाइट के ऊपर हम बन भी ला सकते हैं, और ये स्प्रेडिंग है, तीन चार स्टाइल इसके साथ उन्होंने बताया कि ये कर सकते हो। और ये आप देख ही रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है इसका। और इस टेक्निक को आप तीन चार जगह पे, जैसे आप बन के ऊपर, आप स्टाइलिंग के ऊपर,
अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। और इनको जो रूप दिया, ये उन्होंने चोटी का रूप दिया, एक छोटी चोटी के रंग पे। आप इसको बन के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हो, और अगर ये इसके ब्लॉन्ड हेयर होते तो शायद ये और ब्यूटीफुल लगता। हमारे पास मॉडल तो जो थी वो इस तरह ब्लैक हेयर पे थी, तो हमने कोशिश की चैलेंज काम करने की कि हम इसके ऊपर भी आपको एक अच्छा क्रिएट करके देंगे। तो आज का जो हमारा लुक था, ये आप देख रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। कैसा लगा ये आप हमें बताइएगा प्लीज़। बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा नाम मीनाक्षी है, बहुत अच्छा लगा। मेरा तो चेंज होता ही रहता है, मैं नीनू मैम के साथ ही रहती हूँ। बहुत बारी मेरा हेयर लुक चेंज हुआ, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। थैंक यू नीनू मैम। देश की जानी मानी एक कुशल मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनका हाथ लगने से सुंदरता में चार चांद और लग जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने हेयर स्टाइल की बातें की हैं, उन्होंने दो मॉडल्स पर अपने हेयर स्टाइल का प्रदर्शन किया है, और आने वाले समय में और भी कुछ क्लासेस होने वाली हैं जिस पर कि विस्तार से इस बारे में बताया जाएगा कि वास्तव में अगर आपके हेयर छोटे भी हैं या मध्यम दर्जे के भी हैं तो भी एक सुंदर और हसीन हेयर स्टाइल को आप अपना सकते हैं। तो देर न कीजिए, जल्दी संपर्क कीजिए नीनू महाजन से। और मुझे लगता है नीनू महाजन जी कि आपको देश भर में लोग बहुत चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके हर रूप में हर तरीके से अपना सहयोग प्रदान करें। तो क्या देश भर में भी इस तरह का कार्यक्रम है लोगों तक जाने का? हाँ, मेरा अपना एक अंदर का विचार है, मैं उन लोगों तक पहुँचूँ जो मेरे तक नहीं पहुँच सकते। मेरी कोशिश है मैं उनके पास जाके, उनके घरों पे भी जाके, अगर वो मुझे अपने पार्लर या कहीं भी इनवाइट करती हैं या कहती हैं मैम मुझे यहाँ आके सिखा दो, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके पास जाके उनका हाथ पकड़ के ये काम उनको सिखा दूँ। कि अगर किसी गरीब की बेटी की शादी है तो आप अपना सहयोग वहाँ करना चाहेंगे निस्वार्थ भाव से? मैं अगर कहना चाहूँ तो ये मेरी रेड कारपेट मेकअप अकेडमी है। सबसे पहली अकेडमी में जो मेरी पहली क्लास थी, मेरी उन लोगों के लिए थी जो लोग घर पे बर्तन मांजते हैं, सफाई करते हैं। मैंने उनको पहले यहाँ ला के यहाँ पे क्लासेस दी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मुझे कोई मौका मिला किसी गरीब की मदद करने का, या कोई परिवार ऐसा हो जो अपनी बेटी को सुंदर बनाना चाहता हो, वो पे ना करना चाहता हो, मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरे से नंबर लेके, मेरी बात करके, मेरी फेसबुक के जाके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, मैं उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सजाऊँगी। ये मेरा अपनी तरफ से वादा है उनके साथ। सर, मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले एक सलोन में मैं लगा था काम में। दरअसल मैं वहाँ पर एक एज अ हेल्पर लगा था। मैंने वहाँ पर काम सीखा, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह की, आगे बढ़ा धीरे धीरे। और अब फिर मैम मिली एक दिन, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अब ये निकाल रहे हैं हमें। उन्होंने हाथ पकड़ा और आपने जुल्फें पकड़ ली? ये तो सर काम है हमारा, पकड़नी ही पड़ती है। तो कई ऐसे बाल होते हैं जो कि उलझे उलझे से होते हैं, खता कर बैठते हैं, लेकिन उनकी खताओं को माफ़ करके आप उन्हें बहुत हसीन बना देते हैं। ये जादूगरी कैसे कर पाते हैं? सर बस ऐसे ही ऊपर वाले को याद रखते हैं, ये बड़े हैं हमारे, इन सब का आशीर्वाद है हमारे साथ, और बस धीरे धीरे करते रहते हैं कोशिश। कई सालों की प्रैक्टिस उसी के थ्रू उस चीज़ को भी अंजाम दे देते हैं। तो अब क्या लगता है कि वो सपना साकार होने वाला है कि आप भी बॉलीवुड की तरह कदम बढ़ाएं और बॉलीवुड के कलाकारों के बाल सेट करें? सर इनका हाथ रहा, इनका साथ हमारे साथ रहा, तो ज़रूर ये चीज़ भी एक दिन पूरी होगी। अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में एक नया परचम लहराएगा, इसी विश्वास के साथ। जीएनएन न्यूज़ के लिए वीके शर्मा, दिल्ली।